वेलकम स्टूडेंट, शिव डीपी लर्निंग पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग घातांक एवं घात चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सामने बोर्ड में प्रस्तुत किया गया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने घातांक एवं घात के चैप्टर से कुछ सूत्रों को समझे थे, उन्हीं सूत्रों की सहायता से आज इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है यह काफी सरल है, आप सरल क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपको कठिन क्वेश्चन लगाना आएगा। यह क्लास उन बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनकी मैथ काफी वीक है। अगर वह यहां से अपनी मैथ की शुरुआत करें तो उनके मैथमेटिक्स नॉलेज में काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा। चलिए तो आज हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर जितने क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे उन सभी को सॉल्व करने के लिए हमें यहां लिखी गई है वैल्यू याद रखना चाहिए। जैसे दो पर घाते दो का मान कितना होता है, सॉरी मैं यहां गलत लिखा है, दो पर घाते दो का मान चार, दो पर घाते तीन का मान आठ, दो पर घाते चार का मान सोलह, दो पर घाते पांच का मान पत्तीस, दो पर घाते छह का मान चौसठ, दो पर घाते सात का मान 128, दो पर घाते आठ का मान 256, दो पर घाते नौ का मान 512, दो पर घाते दस का मान 1024, फिर तीन पर घाते दो का मान 9, तीन पर घाते तीन का मान 27, तीन पर घाते चार का मान 81, तीन पर घाते पांच का मान 243, तीन पर घाते छह का मान 729, फिर चार पर घाते दो का मान 16, चार पर घाते तीन का मान 64, चार पर घाते चार का मान 256, चार पर घाते पांच का मान 1024, फिर पांच पर घाते दो का मान 25, पांच पर घाते तीन का मान 125, पांच पर घाते चार का मान 625, पांच पर घाते पांच का मान 3125, पांच पर घाते छह का मान 15625। तो अगर इतना वैल्यू हमको पहले से याद रहता है तो कैलकुलेशन में हमारा काफी टाइम बचेगा और हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, घातांकीय रूप में लिखिए। और घातांकीय रूप में जिनको लिखना है वो कितने क्वेश्चन है, एक दो तीन, तो पहला वाला लिखते हैं उसमें से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट हम हल करेंगे। क्या लिखा है यहां पर, 81 बटा नीचे 256। इसे केवल घातांकी रूप में लिखना होगा। कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक को दिया रहेगा, 81 बटा 256 को घातांकी रूप में लिखिए और उसके ऑप्शन वहां पर रहेंगे, क्लिक करना पड़ता है। तो देखिए 81 क्या हमें यहां पर कहीं पर ऐसा जो मैंने यहां टेबल आपको बताया यहां पर कहीं पर दिख रहा है, 81 केवल एक जगह दिख रहा है यहां पर, 256 यहां भी है, 256 यहां भी है। अगर मैं 81 को देखूं तो 3 की घाते 4 लगा है और यहां देखूं तो 2 की घाते 8 लगा है। अगर मैं 256 यहां पर मतलब कि 256 को देखूं तो 2 पर घाते 8 लगा और यहां 256 को देखूं तो 4 पर घाते 4 लगा है। तो हम 256 दो जगह है तो कौन सा लेंगे, अगर यहां 3 की घात 4 है यहां घात 4 वाला ही लेना है ना कि 2 की घाते 8 वाला, हम घात 4 वाला लेंगे। अर्थात हम 81 की जगह क्या लिख देंगे, 4 पर घात सॉरी और 3 पर घाते 4 बटा हम 256 की जगह क्या लिख देंगे, 4 पर घाते 4 बराबर। अब करना क्या है, इस पर भी वही घात इस पर भी वही घात, तो इस तरह से आप लिख देंगे 3 बटा 4 और पूरे की घात 4।
इस तरह से ये घातांकी रूप में हो गया। 81/256 का घातांकी रूप क्या होगा? 3/4 की होल पावर 4। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है -1/243। देखिए एक पर तो चाहे जो घात लगाए एक आना है, तो वहां से मैं ये किसकी घात है उसको पता करने की जरूरत नहीं है। 243 देखिए आप, 243 क्या है? 3/5 का मान। तो चलिए 243 हम देखते हैं, 3/5 का मान है। तो मैं नीचे लिख दूंगा 3/5 और ऊपर लिख दूंगा -1/5, क्योंकि घातांकी रूप में लिखना है। जितनी घात नीचे रहेगी संख्या में उतनी घात जो ऊपर संख्या उस पर भी रहेगी। और ध्यान दीजिए, जब इसको हल करेंगे तो यही आएगा और इसको हल करेंगे तो यही आएगा। अगर आप देखना चाहें तो कुछ देख लें, यहाँ पर 1/5 -5 है, तो इसका मतलब -1 × -1, यहाँ देखिए -1 × -1 × -1 × -1 × -1 माइनस का बड़ा माइनस होगा प्लस, फिर प्लस का बड़ा माइनस होगा माइनस, फिर माइनस का बड़ा माइनस होगा प्लस, फिर प्लस का बड़ा माइनस होगा 2 माइनस, फिर एक का बड़ा एक में होगा 1, फिर एक में होगा 1, तो यहाँ तक बड़ा क्या है, फिर एक का बड़ा एक में होगा 1, फिर एक का बड़ा एक में होगा 1। अर्थात इसको इस रूप में लिख रहा हूं तो यह चीज सही है। अब आगे ध्यान दीजिए, तो अब दोनों पर घात 5 है, इसलिए हम लिखेंगे -1/5 की होल घाते 5। तो दूसरा क्वेश्चन भी घातांकी रूप में लिख दिया गया। चलिए हमारे पास यह क्वेश्चन है तीसरा वाला, यह लिखा है आपका 625/(14,641)। हम चेक करेंगे तो 625 हमारे पास यहां है, जो कि 5^4 होता है। तो यहां तो हम बिना कुछ किए लिख देंगे 5^4 पूरा बटा। अगर देखना हो यह भाई ऊपर घात चार आया तो जाहिर सी बात है हमें घातांकी रूप में लिखना है, तो नीचे भी किसी संख्या की घात चार आएगी, उसी का यह मान। कौन सी वो संख्या होगी भाई? जो कुछ संख्याओं को हमने लिखा 2/4 तो हो नहीं सकता, 3/4 तो हो नहीं सकता, 4/4 भी नहीं हो सकता, और 5/4 का मान तो ये हो गया, लास्ट में 1 है। तो 9 का वर्ग करते हैं 81, फिर उसमें 9 का गुणा करते हैं तो फिर 9 आएगा, अर्थात 9 वाली संख्या में 1 या फिर 9 ही आना है। 8/3 का मान अगर हम देखेंगे तो 512, 8/4 का मान अगर हम देखेंगे तब भी इतना नहीं पहुंचेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे किससे कटता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। क्या 9 से कटेगा? 4 × 5 6/5 11, 11 से कितना होता है 15, 15 एक कितना हुआ 16, ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 16 3 के पड़ा नहीं आता। देखिए मुझे लग रहा है 11 से कटेगा, यहां 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 6 × 7 = 8 और ये 8। जब विषम, देखिए पहला दूसरा तीसरा विषम स्थान है, विषम स्थानों का योग सम स्थानों के योग के बराबर होगा तो वो संख्या 11 से जरूर कटेगी। देखिए 6 × 7 = 8 = 4 = 8, तो दोनों मतलब सम स्थान पर भी 8 हो रहा है, विषम स्थान पर भी 8 हो रहा है, इसका मतलब संख्या 11 से जरूर कटेगी। अगर ये 11 से कटेगी तो आई एम श्योर कि 11/4 का ही मान है, तो मैं यहां लिखूंगा 11/4। चेक कर लिया जाए क्या ये सही है, बिल्कुल 11/4 मतलब 11 × 11 × 11 × 11, ठीक है। ध्यान दीजिए इसका होता है 121, इसका भी तब होगा 121, तो अब 121 का गुणा 121 में करें इतना आ जाए तभी तो हम मानेंगे ना वो सही है। तो आइए देख रहे, देखिए हमें समझाने में टाइम लग रहा है, बट अगर हमको लिखना होता तब तक हम लिख कर खाली हो गए होते। अब 121 का गुणा 121 में करें, अगर यहाँ आ जाएगा तो हम मानेंगे यह सही है। तो आइए चेक करते हैं, अब ये 3 अंक का गुणा है और हम तो बहुत जल्दी कर लेंगे क्योंकि हमने आपको पिछले कुछ वीडियोस में ट्रिक बताया है, उसी के जरिए मैं इसको करूंगा। देखिए 121 × 121, ये 100 के आसपास का है, 100 से कितना ज्यादा है 21, या भी कितना ज्यादा है 21, फिर आप इसमें इसको जोड़ दीजिए तो 121 में अगर आप 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 142 होगा, 121 में 21 जोड़ेंगे तो 142,
उसके बाद क्या करना होता है, इन दोनों का गुणा करना होता है, 21 में 21 का गुणा करते हैं तो 121 ही आएगा, कितना आएगा 121 आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से समझ लीजिए आप, सॉरी गलत, 21 का 21 में गुणा करते हैं तो 441 आएगा, सॉरी मैंने गलत बोला था, 441, लेकिन बताया गया था उस ट्रिक में कि यहाँ केवल दो अंक रखना है, ये चार का हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, हाँ से तो उसमें जुड़ जाएगा, तो देखिए वही अंक मिला। तो मैंने सिर्फ समझाया कि इसका यह इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो फिर हमने इसका गुणा कर, इसको खोल कर गुणा करके ये लिखाया कि इतना आया, बाकी यहाँ तक हमें आपको करने की जरूरत नहीं है, आप उसके आगे चले जाइए, मैंने दिखाया कि हाँ ये चीज होता है, चलिए आगे देखते हैं। तो यह हो गया 5 पर घात 4 बटा 11 पर घात 4, तो क्या लिख दिया जाएगा 5 बटा 11 पूरे की घात 4। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम दूसरा प्रश्न पकड़ेंगे। दूसरा प्रश्न लिखा है मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहला नंबर 4/3 की होल घात क्या लिखा है 3, इसका मतलब ये 3 घात 4 पर भी है और 3 पर भी है, ठीक है। तो देखिए 4 पर घात 3 का मान कितना होता है 64 और 3 पर घात 3 का मान कितना होता है 27, ये आंसर हो गया। अगर हम यह याद रखते हैं तो, अगर नहीं याद है तो जाहिर सी बात है 4 पर घात 3 का मतलब इन दोनों के ऊपर घात 3 लगा है, इसका मतलब ये 3 बार गुणा किया जाएगा, क्योंकि हमने कल घातांक की परिभाषा बताया था, घातांक का मतलब बार बार गुणा करना, अगर 3 बार घात है तो 3 बार गुणा होगा इसी चीज का, 4/3 × 4/3 × 4/3 4 × 16 = 64 × 27। अगर याद नहीं है तो ऐसे चलिए, याद है तो डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। चलिए पहला इसका पहला हो गया, दूसरा देखते हैं, -2 की घात 2/5 की घात कितना लिखा है 3, तो कैसे करेंगे, 2/3 देख लीजिए पहले कितना आया 8, 5/3 देख लीजिए कितना आया 125, और अगर माइनस है घात विषम है उत्तर माइनस में जाएगा, हल हो गया बहुत जल्दी से। देखिए तीसरा आप देखिए 2/-3 और उसका स्क्वायर किया गया, घात 2 लगा गया, 2/2 का मान कितना होता है 4, 3/2 का मान कितना होता है 9, और घात सम है इसलिए माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन था इसको हमने बड़े आसानी से कर दिया, इतना जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें इसमें से जो वैल्यू लिखी गई है वो याद है, नहीं याद रहेगा थोड़ा और टाइम लगेगा, बाकी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, 3 का फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, मान ज्ञात कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 5/-3, हल कैसे करेंगे बच्चा, कल हमने एक फार्मूला बताया था a/-1 = 1/n, तो 5/-3 का मतलब क्या होगा 1/5 की घाते 3, 1/ क्यों गुणा करोगे 5 × 5 × 5, क्योंकि 5/3 का मान क्या है 125, डायरेक्टली 2 हो गया हल। आपका दूसरा नंबर क्या है 1/4 की घाते -2, तो आप इसे कैसे हल करोगे, इसे हल करोगे इसका माइनस, देखिए वहां केवल 5/-3 था तो आपने इस तरह से लिख लिया उसको नीचे करके, यहाँ 1/4 की घाते -2 है तो इसको आप ऐसे ऐसे लिखेंगे ना 1/, अब इस चीज को नीचे कर दिया तो आप इस चीज को क्या करेंगे नीचे कर देंगे और यहाँ 2/2 लिखेंगे, बट मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा ना करें, आप क्या करिए 4 ऊपर कर दीजिए 1 को नीचे, तो 4/1 और उसकी घात माइनस से क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, वही चीज है उसमें फर्क नहीं होगा, ठीक है। और नीचे 1 रहेगा उसका कोई मतलब नहीं होता, 4/2 का मान हमने आपको यहाँ लिख कर दिखाया है कितना हो जाएगा 16, इसका भी आंसर आ गया। तीसरा नंबर हमारा क्या है 4/3 की घाते -2, जैसे अभी इसको समझे ऐसे इसको भी कर लेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आएगा, 3/4 की घाते 2, और 3 की घात 2 का मान कितना होता है बच्चा 9, 4 की घात 2 का मान कितना होता है 16। आप चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है -3/5 की होल घाते -2, अब क्या करेंगे माइनस इसका खत्म करने के लिए 5 ऊपर -3 नीचे, 5/-3 और इसकी घात 2, 5/2 जब आता है तो उत्तर कितना आएगा 25, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए और 3/2 लिखा है तो उत्तर कितना आएगा 9, लेकिन घात समय इसलिए उत्तर प्लस में आएगा, तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए।
चलिए नेक्स्ट, आई एम श्योर आपका ये जो घातांक एवं घात का चैप्टर है, इसके जो शुरुआती प्रश्न है वो आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे। चलिए चौथा वाला तो और भी सरल है, पहला नंबर, निम्न में आधार एवं घात बताइए। तो देखिए आपका लिखा है 1/5 की घात 8, तो इसमें आपका आधार क्या होता है, जो ये चीज है, तो कितना 1/5, और घातांक या घात जो है वो कितना है आपका 8 है। दूसरा वाला आपका इसमें प्रश्न क्या है, -12 की घात 6, इसमें आधार आपका क्या है, आधार इसमें -12 है और घात इसमें क्या है, घात इसमें 6 है। तीसरा वाला क्या लिखा है, 7/-9 की घात 8, इसमें आधार आपका क्या है, आधार इसमें आपका है 7/-9 और घात इसमें आपका कितना है 8। देखिए चौथा क्वेश्चन भी हो गया बहुत आराम से, क्योंकि बहुत सरल है। कठिन प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे, तब आप देखिएगा घातांक में कैसे प्रश्न होते हैं। पांचवा थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, चलिए पांचवा का फर्स्ट नंबर, 5 की घात 3 गुणते 5/2 आपका हो जाएगा फिर गुणते 125, हल कीजिए भाई। 5/3 गुणते 5/2 गुणते 125, तो क्या करना है यहाँ पर, 5/2, हमने कल एक सूत्र बताया था, a/m गुणते a/n = a/m + n, मतलब आधार समान रहेगा, बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा तो घात जोड़ ली जाएगी। आधार यहाँ 5 है, घातांक यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातांकों को जोड़ लिया जाएगा। 5/3 + 2 गुणते 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 5/3, तो कितना हो जाएगा 5, गुणते 5/3 कितना है यह 3। तो इस प्रकार से आपका क्या आया, 5/3, फिर आधार समान हो गया, ठीक है, आधार समान हो गया तो एक बार 5 लिखेंगे, फिर घातांकों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ लिए तो 5/8। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, हमने 5/6 तक का दिया है, तो उसमें दो बार और 5 का गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर पता चल जाएगा, या फिर अगर आपके ऑप्शन में इस तरह से आंसर है तो आप यहाँ तक सॉल्व कर ही लिए हैं, ठीक है। तो ये पांचवा का पहला नंबर था। चलिए पांचवा का दूसरा नंबर क्या है, 324 की घात 0.14, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए आधार समान आधार समान आधार समान, तो गुणा का चिन्ह चाहे दो बार रहे चाहे तीन बार रहे चाहे चार बार रहे चाहे जितनी बार रहे, घातांक को जोड़ लिया जाएगा, तो 324 की घात हो जाएगा 0.18+0.18+0.18, ये हो जाएगा 324 + 18 = 36, 36 में अगर हम 14 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, 0.50 प्लस 8 4 12 8 20 के 2 20 के 2 से लगा 2 2 1 इसमें जोड़ देंगे 3 4 5, इस तरह से यह आ जाएगा। अब 0.50 को जो है आप पहले क्या करिए, दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर कोई चीज इस तरह से लिखा है उसे भिन्न में कन्वर्ट करना, तो ये आप देखिए कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1-2 अंक हैं, तो इसका मतलब आप इसमें 100 से ऊपर नीचे गुणा कर, ऊपर गुणा कर दीजिए और 100 से नीचे भी गुणा कर दीजिए। 100 से ऊपर करेंगे तो दशमलव गायब हो जाएगा 50, और नीचे तो कुछ था ही नहीं, 100 नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, उसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 50/100। थोड़ा और इसे आप यही समझ ले, इसका 1 0 1 0 कैंसिल, 5 1 का 5 5 10, अर्थात जो 0.50 है उसका मतलब कितना होता है, 1/2, तो 324 और उसकी घात क्या, 1/2। आपने कल एक चीज पढ़ा था,
एक ही घाते एक बटा दो, और इधर लिखा था सॉरी ये नहीं पढ़ा था, चलिए मैं इसका मतलब बताता हूँ। एक बटा दो जो आपका लिखा है यहाँ पर घात इसका, इसका मतलब होता है करड़ी, ऐसे लग जाएगा। तो 324, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और आपको पता होना चाहिए, आपको 125, 1 से 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए। ये 18 का वर्ग होता है, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 18 आएगा। चलिए यह अभी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो पांचवा का हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब पांचवा का क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, 16 की घात 0.16, उड़ते 2 की घात 0.36। अब इसे कैसे हल करें, यहाँ 16 यहाँ 2, आधार समान नहीं है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातांक जुड़ेगा नहीं, आधार समान में कर ही देता हूँ। देखिए 16 यहाँ कहीं ना कहीं तो होगा, यहाँ है 16 की जगह क्या लिखा जाता है, लिखा जा सकता है 2 की घाते 4। इस 16 की जगह में 2 की घाते 4 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ भी तो है, अब इसमें आधार तो बन जाएगा, इसलिए हमने इसको लिख लिया। ऊपर है घात में 0.16, गुणते 2 की घाते 0.36। उसके बाद देखिए, कल हमने एक फॉर्मूला बताया था, अगर नहीं पता होगा तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा, ए की घात यम और उसकी घात यन। तो फार्मूला होता है ए की घात यम गुणते यन, मतलब किसी संख्या के ऊपर घात और फिर उसके ऊपर भी कोई घात है तो उस प्रकार उन घातों का गुणा हो जाता है। यहाँ 2 की घात 4 और उसके ऊपर ये घात है, तो इस 4 और इस चीज का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 2 की घात 16 चौका कितना होता है, 64, मतलब 0.64, क्योंकि 16 चौका 64 यहाँ आएगा, बाकी इधर 0 ही रहेगा। कुर्ते 2 की घाते 0.36, ये हो जाएगा। अब आधार समान है तो ये घातांक जुड़ जाएंगे, तो 2 की घाते जोड़िए 6, 4, 10 के 0 वहाँ से लगा 1, 6, 3, 9, 1, 10 के 0 वहाँ से लगा फिर से आपका 1। अब क्या आंसर लगाएंगे, क्योंकि अब आप तो लिख लेंगे 6, 3, 9 और 1 आंसर था 10 हो जाएगा, तो 10 को उधर 2 ही अंक रखना है, कुल मिलाकर ये आएगा। अगर जिन बच्चों को इसका जोड़ नहीं समझ में आया वो यहाँ पर देख लें, 0.64 फिर 0.36 प्लस कर दिया हमने, 6 में 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पर हासिल लगेगा आपका 1, 6, 3, 9, 1, 10 के 0 और हासिल 1 जो है वो इस तरफ आ जाएगा, 1.0। दशमलव के बाद अगर कोई अंक नहीं केवल 0 है तो उसका दशमलव आप हटा सकते हैं, अर्थात इसकी घात कितना आया, 1। अगर इसकी घात 1 आया तो इसका मान कितना होगा, केवल 2 होगा। इस तरह से इस प्रश्न को भी हमने हल किया। चलिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर आपका 4 में लिखा है, प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा है, 256 की घात 0.16 गुणते 256 की घात 0.16, मतलब आधार समान दिख रहा है तो हम लिखेंगे 256 की घात 0.16 जोड़ दीजिए 3, 2, क्योंकि 16, 16, 32 होता है। अब 256 जो है वो कहीं ना कहीं तो आपको मिल जाएगा, यहाँ 4 की घात में मिल जाएगा या फिर 2 की घात, चाहे जो लिखिए, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, तो मैं ये लिख लेता हूँ 2 की घात 8। और इसमें 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 100 का ऊपर गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, 10 गायब हो जाएगा, नीचे तो 1 रहता है तो 100 आ जाएगा। अब अगर आप इसको काटना चाहें, 4 से काटिए, 4 8 32 और 25 का 100, तो इस प्रकार से आया 8/25, ये आपका यहाँ पर मिला, ठीक है। तो अब क्या करना है, घात और उसके ऊपर भी घात उसका गुणा हो जाता है, 2 की घाते 8 गुणते 8/25, फिर 2 की घाते 8 कितना होता है, 64/25। अब इससे ज़्यादा ये साल्व नहीं हो सकता है, तो बस इसका यही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा नंबर, 5 की घाते 1/4
कुर्ते 125 की घाते 0.25 बराबर, तो 5 की घात 1/4 लिखा रहने दीजिए, पहले 125 को 5 के रूप में कन्वर्ट करिए, 125 की जगह हम लिखेंगे 5 पर घाते 3 और उसे आप भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 25/100 आ जाएगा, ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे तो 25 × 1 = 100, ये हो जाएगा 1/4 इसकी घात, तो 5 की घात 1/4 उड़ते घात का घात से गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा 100 होगा तो 5 की घात 3/4, फिर आधार समान है तो घातांक जोड़ लिया जाएगा, 5 की घात 1/4 प्लस 3/4, तो 5 की घात हर समान है तो अंश जोड़ लिया जाएगा, 3 × 4 4/4 और वही ऊपर वही नीचे कट जाएगा 1 आएगा, अर्थात इसका उत्तर घात यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, 1 घात बचेगा और 5 पर घात 1 का मतलब कितना होता है 5। तो इस तरह से आपने 5 प्रश्न देखे और इन 5 प्रश्नों को आपने समझा। अभी मैं 2 प्रश्न और लगवा रहा हूँ, उसके बाद आज की क्लास समाप्त होगी। अगली क्लास में हम आज से कठिन प्रश्न शामिल करेंगे, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें हल ही करना है, -7/9 की होल घाते 3 वाला क्वेश्चन भागा -7/9 की होल घाते 5। दूसरा प्रश्न है 4/5 की घाते 3 भागा 4/5 की घाते 8। तीसरा प्रश्न हमारा है 5/7 गुणते 5/4 भागा 5/8। इसका चौथा प्रश्न है 3/7 भागा 3/4 और गुणते 3/8। तो छठवें प्रश्न में इतने दिए गए हैं, सभी को हल करना है। पहला है -7/9 की घात 3 भागा, फिर -7/9 की घात 5 भाग का चिन्ह, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए की घाते यम भागा ए की घाते यन, अगर आधार समान हो बीच में भाग का चिन्ह हो तो घातांकों को घटा देते हैं, ठीक है, बस यम बड़ा होना चाहिए तो यम में से यन घट जाएगा। ऐसे -7/9 की जो घात है आपका वो 3 था, तो चूंकि भाग का चिन्ह घटना ही है तो 3 माइनस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 5 लिख देंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद आप सभी को यह पता होगा कि 3 में से 5 घटेगा नहीं, उल्टा घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो -7/9 की होल घाते कितना आया -3। अब इस घात यहाँ से माइनस की बात नहीं हो रही, घातांक का माइनस खत्म करना हो तो भी हमने शायद पहले या दूसरे क्वेश्चन में समझाया था, माइनस खत्म करना हो तो इसको ऊपर कर दीजिए और इसको नीचे कर दीजिए, तो 9/-7 और उसकी घात कितना हो जाएगा 3। अब 9 पर घाते 3 का मान अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो याद ही है, 9 पर घाते 3 का मान होता है 729 और 7 पर घाते 3 का मान होता है 343, क्योंकि घात विषम है इसलिए उत्तर माइनस में आएगा, तो इस प्रश्न का यह उत्तर है, ठीक है। चलिए हमारे पास छठवें में दूसरा प्रश्न भी है, दूसरा प्रश्न लिखा है 4/5 की होल घात 3 भागा 4/5 की होल घात 8, आधार समान है तो घातांक घट जाएंगे, 4/5 की घात 3 -8, 4/5 की घात घटाएंगे तो -5 आएगा, माइनस घात खत्म करने के लिए 5 को ऊपर और 4 को नीचे कर लीजिए, तो 5/4 और उसकी घात 5, 5 की घाते 5 कितना है 3125, 4 की घाते 5 कितना है 1024। इस तरह से हमें यह भी आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर आप क्वेश्चन देखें, तीसरा है 5/7 गुणते 5/4 भागा 5/8, यहाँ आधार समान है बीच में गुणा का चिन्ह है तो घात जोड़ लिया जाएगा,
सात और चार जोड़ा जाएगा तो 11 भागा 5 की घाते 8। यहाँ आधार समान है लेकिन बीच में भाग का चिन्ह है तो घात को घटा लिया जाएगा, 11 में से 8 गया कितना आया 3। तो इस तरह से यह भी प्रश्न हो गया। नेक्स्ट चौथा वाला आप ध्यान दें, सॉरी यही था ना, हाँ हो गया। तो इस तरह से हमने आपको ये समझाया। अब मुझसे डाउट हो रहा है कि मैंने इसमें से कोई एक छोड़ा है, चलिए छोड़ा है तो आप कर लीजिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो सातवां इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा सबसे पहला नंबर सातवें में 0.00032 की घात 0.6, इसका दूसरा 0.0001 की होल घात 0.25, इसका तीसरा 0.0081 की होल घात 0.50, इसका चौथा 0.00064 की होल घात टोटल। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आप सभी लोग ध्यान दें। 0.00032 की होल घात 0.6, यहां क्या करना है, यहां देखिए 1 2 3 4 5 दशमलव पर 5 अंक है तो एक के आगे 5 जीरो बढ़ रही है ऐसे, और इसे ये जो आया इसे हम लिख ले और ऊपर दशमलव हटाकर केवल अंक लिखे क्या 32, और उसकी घात क्या है 0.6। उसे अगर आप भिन्न में कन्वर्ट करेंगे 0.6 को तो 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे 6/10, या फिर दस के बाद एक अंक है तो एक जीरो आएगा, एक के बाद ये 6/10 काट दीजिए, 2 3 6 2 5 6 10, कुल मिलाकर आया 3/5, इसके जगह हम लिखेंगे 3/5। 32 कहाँ यहाँ 2 की घाते 5, तो 2 की घात 5 पूरा बटा 1 2 3 4 5, अगर 5 जीरो है तो ये आएगा 10 की घाते 5, और पूरा घात कितना है 3/5। इन दोनों पर घात 5 है तो इन दोनों को पहले ऐसे लिखेंगे 2/10 की घात 5, और इसको ऐसे लिखा क्योंकि दोनों पर घात 5 था तो इसलिए हमने इसको लिखा, इसके बाद इस कोष्ठक को हमने यहाँ लगाया और ऊपर क्या लिखा है 3/5। अब करना क्या है, किसी संख्या पर घात और उसके ऊपर घात पे इस घात और इस घात का गुणा हो जाएगा 2/10 की घात 5 × 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2/10 की घात कितना आएगा 3, इसको यहां लिख रहा हूं। उसके बाद 2 की घात 3 हमने पहले से ही रखा है 8, 10 की घात 3 का मतलब 3 जीरो बढ़ जाएगा। अब अगर दशमलव उत्तर लाना हो तो जिस प्रकार से हमने दशमलव हटाया था तो उतना ही जीरो लाया था, जितने जीरो है दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे, तो 0 0 और 1 हो जाएगा 8। तो इस प्रश्न का यह उत्तर होगा। चलिए मान लीजिए अगर यह नहीं दिया है, भिन्न में उत्तर दिया तो आप इसे काटें, अगर आप इसे 4 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 4 × 8, और यहाँ लिखेंगे 4 × 8 2 5 4 5 20, 2/250 आपका उत्तर आ जाएगा अगर आप इसे भिन्न में लाना चाहेंगे, तो जैसा उत्तर आएगा उस हिसाब से अपना उत्तर वहां पर लाइएगा, ठीक है। चलिए 3 और बचे, दूसरा नंबर 0.01 इसका दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 2 3 4 है तो 4 0 आ जाएंगे, इसके बाद 0.5 इसको आप सॉल्व करेंगे 25/100 25 का 25 25 का 100, 1/4 आएगा, इसको मैंने बताया था आप ध्यान दें, 1/4 जितना घात लगाओ, और यहाँ 10 की घात कितना आएगा 4, क्योंकि 4 0 1/4। अब 1/10 की घात 4, क्योंकि 1/4 घात जितना लगाओ एक ही आएगा, इसको इस रूप में लिख दिया
उसके बाद पोस्टर के ऊपर 1/4 और खाद है, 1/10 की खाद 4 और इस खाद का इस खाद से बड़ा होगा तो 1/4, 4 से 4 कैंसिल, एक खाद यहाँ लगा रहेगा तो 1/10 आया। अब भाग देंगे तो 0.1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये हो गया, कितने अंक हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरो लगाइए के बाद ऐसे और ऊपर लिखिए क्या से, इसका दशमलव हटाएंगे 50/100, 50 एक का 50, 50 दूना 100 मतलब 1/2। 81 3/4 का मान होता है तो हमने लिख दिया, यहाँ 10 की घाते 4 आएगा उधर 1/2, 3 दोनों पर घात 4 इसलिए 3/10 की घात 4 और उसके ऊपर घात 1/2, 3/10 की घात 4 बनते 1/2, 3/10 की घात ये कट जाएगा तो 2 बार आएगा, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 10 का वर्ग कितना होता है 100, अगर आप इसमें भाग देंगे तो 0.09 उत्तर आएगा। लास्ट और फाइनल क्या है चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है 0.00006 उसकी घात 2/3। देखिए ऊपर 64 नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो लगाइए, 3, 3, 6 इसकी घात 2/3, 64 तो की घाते 6/0 है तो 10 की घाते 6 उसकी घात 2/3, फिर 2/10 उसकी घात 6 उसकी पूरी घात कितनी है 2/3, फिर घात का घात से बड़ा हो जाएगा 2/10 और इसका इससे बड़ा हो जाएगा 6 × 2/3 2/10 इनका पारा पड़ेंगे 2 बार जाएगा 2 × 2 तो ये आएगा 2/10 की घात 2 दूना कितना होता है 4, 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16, 10 की घात 4 का मतलब 1 के आगे 4 जीरो या भाया या फिर दशमलव अंतर लाना 0.0016। ठीक है, दशमलव अंतर लाने के लिए कितने जीरो है इसमें 4, तो 4 अंक रहेगा दशमलव के बाद। इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम खातांक एवं घात के इससे थोड़े से टफ प्रश्न लेकर आएंगे। जो बच्चे बेसिक लेवल पर हैं वो इन क्वेश्चनों की 1-2 बार प्रैक्टिस करें, आपको मैं बता रहा हूं आपके मैथमेटिक्स का डर जरूर दूर होगा। थैंक यू सो मच, आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।